ध्रुव राठी, वो बंदा जिसकी वीडियो पे अभी मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं एंड उनके वायरल होने के पीछे सिर्फ उनकी इंफॉर्मेशन एंड वीडियो एडिटिंग ही नहीं है बल्कि उनके थंबनेल भी हैं एंड उनके थंबनेल में कुछ ऐसा होता है कि ऑडियंस को वो क्लिक करने पे मजबूर कर देते हैं। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप ध्रुव राठी जैसे थंबनेल्स अपने फोन से कैसे क्रिएट कर सकते हो। सो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि सारे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्रुव राठी के थंबनेल में मेन होता है उनका लेआउट जो कि हर थंबनेल में आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा। सो इस वीडियो में हम इस थंबनेल को क्रिएट करेंगे एंड आपको ये तो पता ही होगा कि थंबनेल को क्रिएट करने से पहले हमें एलिमेंट्स डाउनलोड करने होते हैं। तो एलिमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए कौन कौन सी एप्स एंड वेबसाइट्स हैं सो उनको मैं लास्ट में मेंशन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में कोई यूआरएल नहीं है। सो क्रिएट करते हैं अपने थंबनेल को। सो पिक्सल लैब में हम अपने टेक्स्ट को सबसे पहले सेव करने वाले हैं। तो यहाँ टेक्स्ट पे डबल टैप करो एंड जो भी टेक्स्ट है उसे टाइप कर लो, लाइक हम यहाँ पे कर रहे हैं डिक्टेटर, एंड आगे क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। सो फॉन्ट्स में जाकर बोल्ड फॉन्ट लगा देंगे, लाइक इसको अप्लाई कर देते हैं एंड बैकग्राउंड को कर लेते हैं ट्रांसपेरेंट। अब इसे अल्ट्रा पे करो एंड यहाँ से सेव कर लो। सो अब मैंने ओपन कर लिया है PSCC एप्लीकेशन को। इसका डाउनलोड लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सो वहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। एंड ओपन करते ही तुम्हारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब नीचे इमेज वाले आइकन पे क्लिक करो एंड यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लो एंड यहाँ डालना है आपको थंबनेल का साइज 1920x1080। अब ओके कर दो एंड इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब ऊपर एंड वाले आइकन पे क्लिक करो एंड क्लिक करो फिल एंड स्ट्रोक पे। सो तुम्हारे कैनवास ट्रांसपेरेंट से वाइट हो जाएगा। आप कलर पे टैप करके इसको ब्लैक कर लो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी मर्जी है तो कर सकते हो। इसको ब्लैक करने के बाद नीचे लेयर पे टैप करो एंड प्लस आइकन पे, फिर फोटो लेयर एंड फोटो लाइब्रेरी। अब मटेरियल का फोल्डर मैंने पहले से ही बना लिया था, सो ये रहा वो फोल्डर। ओपन करो एंड सबसे पहले हमें प्रोटेस्टर्स का इमेज चाहिए होगा, सो इसे सिलेक्ट करके ऐड कर लो। अब इसे हमें स्क्रीन पे एडजस्ट करना है एंड साइड को आपको खाली रखना है। सो इसे एडजस्ट करने के बाद ओके कर दो। अब वापस लेयर पे क्लिक करो, देन प्लस आइकन पे एंड फोटो लेयर एंड फोटो लाइब्रेरी। अब इस टोन पेपर को ऐड कर लो एंड इसके साइज को इंक्रीज करो एंड एडजस्ट करके साइड पे प्लेस कर दो एंड हल्का सा रोटेट भी कर लेंगे। अब इसमें हम ऑरेंज ग्रेडियंट ऐड करेंगे। सो लेयर में जाओ एंड पेपर टोन PNG को सिलेक्ट करो, ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। ऊपर पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करो एंड यहाँ से आपको इसका पिक्सल सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ लेयर का पिक्सल सिलेक्ट हो चुका है। अब ऊपर एंड वाले आइकन पे टैप करो एंड ग्रेडियंट में आ जाओ। सो ये मैंने पहले से ही बना कर रखा है। ग्रेडियंट बनाने के लिए तुमको नीचे कलर पैलेट पे टैप करना है एंड उसके बाद तुम्हारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ डॉट्स पे टाइप करके तुम कलर चेंज कर सकते हो एंड मिडल में लाइट कलर एंड साइड पे उसका डार्क कलर। अब डन कर दो। सो अब प्रोटेस्टर की इमेज में हम थोड़ा सा ब्लू टेक्सचर ऐड करेंगे। सो उसके लिए तुमको लेयर पे क्लिक कर देना है एंड उसके बाद यहाँ से एक एम्प्टी लेयर क्रिएट कर लेना। अब ऊपर एंड पे टैप करो एंड यहाँ से फिल एंड स्ट्रोक सिलेक्ट कर लो। तो ये ब्लैक कलर हो गया है। अब इसे ब्लू करने के लिए तुम्हें नीचे सर्कल पे टैप करना है एंड उसके बाद यहाँ से इसका कलर ब्लू कर देना एंड इस लेयर को ड्रैग करके टोन पेपर के नीचे ऐड कर लो। अब नीचे छोटा लेयर का आइकन मिल जाएगा, सो उस पे क्लिक करो एंड ब्लेंड मोड को मल्टीप्लाई पे कर दो एंड अब प्रोटेस्टर वाली इमेज को सिलेक्ट करो एंड यहाँ से इसका ओपेसिटी आपको 70% कर देना है। तो यहाँ पे आप कुछ ऐसा ये दिख रहा है। अब ऐड करना है ध्रुव राठी का PNG। सो लेयर में जाके फोटो लाइब्रेरी से अपना इमेज ले लो एंड उसके बाद उसका साइज बढ़ा करके साइड पे एडजस्ट कर लो अच्छे से। अब लेयर में जाओ एंड टोन पेपर को सिलेक्ट करो एंड ऊपर FX वाले ऑप्शन पे क्लिक करना एंड यहाँ से ड्रॉप शेडो को सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ एंगल को कर लो 175 डिग्री एंड ब्लर को कर लो 15% एंड डन पे क्लिक कर दो। अब यहाँ तुम देख सकते हो टोन पेपर के नीचे एक हल्का सा शेडो इफेक्ट आ चुका है। अब फोटो लाइब्रेरी में आकर मोदी जी की इमेज को ऐड कर लो एंड इसको साइड पे अच्छे से एडजस्ट कर लेना। अब सेम तरीके से हिटलर के फेस को भी ऐड कर लो एंड इसका साइज सेट करके रोटेट करो एंड PM के शोल्डर के पास में लगा दो। अब लेयर में जाके इसे PM की इमेज के नीचे कर लेना। अब यहाँ डिटेल्स के हिसाब से हिटलर के फेस के नीचे वाली साइड पे शेडो होना चाहिए, सो उसे ऐड करने के लिए मोदी जी वाले लेयर को सिलेक्ट करो एंड FX में जाकर ड्रॉप शेडो को ऐड कर लो। अब इसके एंगल को हिटलर के फेस की साइड पे कर दो और ब्लर को कर दो 15% एंड डिस्टेंस को 9 पे। अब ब्लर में वापस जाकर उसे 50% तक बढ़ा देना। सो देखो शेडो आ चुका है। अब फोटो लाइब्रेरी में जाकर इस लेंस फ्लेयर को ऐड कर लो। अब इसे PM की आईज पे अप्लाई करने से पहले हमें PM की आईज को व्हाइट करना होगा। सो लेयर पे जाके लेंस फ्लेयर को ऐड कर दो एंड उसके बाद एक एम्प्टी लेयर क्रिएट कर लो। अब कॉर्नर में सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके ब्रश को पिक कर लो एंड कलर को व्हाइट करो एंड ब्रश साइज आप देख लेना।
अब आईज पे जूम करके पेंट कर लो रफली, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं करनी है। अब जूम आउट करके लेयर पे जाओ एंड लेंस को एनाइड कर लो और इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन पे कर देना। अब एंड वाले आइकन पे क्लिक करो एंड ट्रांसफॉर्म पे। अब इसको एडजस्ट करके आईज पे ऐड कर लो अच्छे से। अब डन करके लेयर में जाओ एंड प्लस पे क्लिक करके इसका डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर लो एंड सेम प्रोसेस से एंड वाले आइकन पे टैप करके ट्रांसफॉर्म एंड इसको सेकंड आई पे अप्लाई कर देना। सो अब ऐड करेंगे टेक्स्ट। सो फोटो लाइब्रेरी में जाकर ब्रश स्ट्रोक को ऐड कर लो एंड इसको ऊपर अप्लाई कर दो इस तरीके से एंड लेयर में जाके इसको पीएम लेयर के नीचे कर देना। अब इसमें भी हम सेम ग्रेडियंट ऐड करेंगे। सो पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करो एंड इसके पिक्सल्स को सिलेक्ट कर लो। अब एंड वाले ऑप्शन में जाके ग्रेडियंट में जाकर हम वही सेम ऑरेंज ग्रेडियंट ऐड कर लेंगे एंड इन डॉट्स को यूज करके तुम इसका टेक्सचर चेंज कर सकते हो। सो ये कर लेते हैं फाइनल। अब फोटो लेयर में जाके पिक्सल लैब वाले टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे एंड अप्लाई कर लो ब्रश स्ट्रोक के ऊपर। अब डन पे क्लिक करके एफएक्स में जाओ एंड ड्रॉप शेडो को सिलेक्ट करो एंड एंगल को 45 डिग्री कर दो एंड ब्लर को 0 एंड डिस्टेंस 8 पे। सो इस तरह का इफेक्ट तुम्हारे टेक्स्ट पे आ जाएगा। अब मोदी जी के पीछे ग्लो ऐड करना है सो उसके लिए लेयर में जाओ एंड एक एम्प्टी लेयर क्रिएट कर लो एंड ब्रश टूल को सिलेक्ट करके यहाँ से ब्रश का साइज 140 कर दो एंड उसके बाद कलर को ब्लू कर देना एंड किसी भी खाली स्पेस में आपको सर्कल ड्रॉ करना है। अब एफएक्स में जाके गजियन ब्लर अप्लाई कर दो एंड ब्लर को कर देना 66%। अब एंड पे टैप करके इसे ट्रांसफॉर्म कर लो एंड इसका साइज बढ़ाकर मोदी जी के पीछे ऐड कर लो एंड लेयर में जाके इसे हिटलर के फेस के भी नीचे कर देंगे एंड इसके ब्लेंड मोड को लीनियर डॉज पे सिलेक्ट कर लो। सो रेडी है तुम्हारा थंबनेल। अब इसे डन पे टैप करके सेव कर लो एंड यहाँ शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करो एंड सेव टू गैलरी एंड थंबनेल को सिलेक्ट करके सेव कर लो। अब तुम यही थंबनेल तो क्रिएट करोगे नहीं, अब एलिमेंट्स डाउनलोड करने के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है आइकन्स। तो इसको डाउनलोड करने के लिए तुम्हें मिल जाता है flaticon.com। इसमें आपको जो भी आइकन चाहिए उसे सर्च करो, लाइक मुझे चाहिए चार्जिंग आइकन, सो सर्च एंड जो भी अच्छा लगे उसे डाउनलोड कर लेना एंड तुम्हारा आइकन PNG फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। अब PNG डाउनलोड करने के लिए है PNG विंग। लाइक थंबनेल में यूज करने के लिए इस तरह की मनी PNG एंड मोबाइल PNG चाहिए होंगी। सो pngwing.com पे आओ एंड ऐसा इंटरफेस तुम्हारे सामने आएगा। सो यहाँ पे सर्च कर लेना मनी और जो भी इमेज आपको अच्छा लगता है उसे डाउनलोड कर लेना, वो भी PNG फॉर्मेट में। अब थंबनेल्स के लिए बैकग्राउंड चाहिए, सो इसके लिए ऐप है इमेज सर्च मैन। सो ओपन एंड सर्च लाइक मुझे चाहिए वर्सेस थंबनेल बैकग्राउंड। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो काफी सारे थंबनेल्स बैकग्राउंड्स है जो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। सो अपने हिसाब से डाउनलोड कर लेना। सो तीनों प्लेटफॉर्म का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा एंड थंबनेल को क्रिएट करने के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी होते हैं जिनको अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपका थंबनेल कभी बेस्ट नहीं बनने वाला। सो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो मैं तुमसे वही मिलने वाला हूँ। बाय।